प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम क्लास सिक्स सब्जेक्ट अवर पास्ट पार्ट वन का हम चैप्टर पढ़ रहे थे, इन द अर्लीस्ट सिटीज़। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। कच्चा माल आते थे उसकी खोज में। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओर्स ऑफ मेटल्स और प्रोड्यूस बाई फार्मर्स और हर्डर्स। जो रॉ मटेरियल थी वो चीज़ें होती थी या तो जो कुदरती मिलता था, जैसे कि लकड़ी या ओर्स ऑफ मेटल्स होता है, जो अपने बच्चों साइंस में भी पढ़ा होगा, ओर्स ऑफ मेटल्स किसे बोलते हैं, और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स, या कि किसानों या जो जानवर पालते थे उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता, उनके द्वारा दिया जाता था। दीज आर देन प्रोसेस्ड टू फाइन प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स, जिसको फिर मशीनों में तैयार किया जाता था या प्रोसेस किया जाता था उसको, ताकि उसको एक फिनिश्ड जो एक चीज़ बन पाए, कोई जो इस्तेमाल करने की चीज़ बन पाए, वो बनाई जाती थी। फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस्ड बाई फार्मर्स, जो कॉटन है वो कौन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था, कौन बनाता था, फार्मर्स। इज ए रॉ मटेरियल, वो क्या कच्चा माल है। दैट मे बी प्रोसेस्ड टू मेक क्लॉथ, जिसको फिर क्या बनाया जाता है, किसमें डाला जाता है, कौन सा आकार, कौन सा रूप दिया जाता है उसको, कपड़े का क्लॉथ। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल दैट द हरप्पन्स यूज वर अवेलेबल लोकली, लेकिन कुछ जो कच्चा मटेरियल जो हरप्पन्स यूज करते थे, जो उनको क्या मिलता था, अपने ही जगह पे लोकली अपनी ही जगह पे मिलते थे। मैनी आइटम्स सच एज कॉपर, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कॉपर हो गया, टिन हो गया, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स हैड टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस। ये सब चीज़ें उनको दूसरी जगह या दूर दूर जगहों से लानी पड़ती थी, जैसे कॉपर है, टिन है, गोल्ड है, सिल्वर है एंड प्रीशियस कीमती पत्थर। द हरप्पन्स प्रॉबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान, जो हरप्पन से उनको शायद से जो कॉपर उनको मिलता था, जो आज के दिन में कहाँ पर है, राजस्थान से उनको कॉपर मिलता था, एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया, और कहाँ से मिलता था, ओमान जगह जो कि कहाँ पर है बच्चों, वेस्ट एशिया में। टिन विच वॉज मिक्सड विथ कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, जो टिन है उसको किसके साथ मिक्स किया जाता था, कॉपर के साथ, और उससे क्या मिलता था, ब्रॉन्ज। मैनी हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम प्रेजेंट डे अफ मे हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, और जो कि कहाँ से मंगाया जाता था, जो आज के दिन में कहाँ पर रह जाएगा, अफगानिस्तान में एंड ईरान, और ईरान में गोल्ड कुड हैव कम ऑल ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, और जो गोल्ड जो सोना वो कहाँ से आता था, जो आज के दिन में क्या है, जिसको क्या बोलते हैं, कर्नाटका, वहाँ से आता था। एंड प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान, और जो कीमती पत्थर होते थे वो कहाँ से आते थे, जो आज के दिन कौन सी जगह है, गुजरात है, ईरान है एंड अफगानिस्तान है। अगर आप बच्चों ये लेफ्ट साइड पर देखोगे, हाउ वर गुड्स कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो सामान या जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाते थे उस समय में। लुक एट द इलस्ट्रेशन, ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है बच्चों। वन शोज ए टॉय एंड द अदर इज ए सील, एक क्या है, एक छोटा सा खिलौना दिखाया गया है, और दूसरी क्या है, एक मोहर है। जो एक खिलौना है ये एक किस्म का, एक उन्होंने छोटी सी एक एग्जाम्पल दी है, इस तरीके से इस्तेमाल, इस तरीके से जो पहले क्या बनाई जाती थी, चीज़ें बनाई जाती, या इस तरीके से गाड़ी बनाई जाती थी, जिससे क्या चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ली जाती थी। कैन यू सजेस्ट व्हाट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय द हरप्पन्स वर, क्या आप सजेस्ट कर सकते हो कि कौन सी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हरप्पन है वो कौन सी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते थे। डिड यू कम अक्रॉस इलस्ट्रेशन ऑफ व्हील्ड व्हीकल्स इन अर्लियर लेसन, क्या आप जो आपने इससे पहले चैप्टर पढ़े उसमें आपको कहीं जो ये व्हील्ड व्हीकल जो व्हील वाले जो व्हीकल्स है उनकी कोई एग्जाम्पल आई कि नहीं आई। फिर बोलता है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज, जो सिटीज़ में लोग रहते थे उनके लिए खाना कहाँ से आता था। वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़ अदर लिव्स इन द कंट्री 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 साइड, कुछ बहुत सारे लोग कहाँ रहते थे, शहरों में रहते थे, जबकि जो बाकी लोग हुआ कहाँ रहते थे, गाँव में रहते थे। ग्रीव क्रॉप्स एंड रेयर एनिमल, जो कि फसल उगाते थे और जानवरों को पालते थे। दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, जो ये फार्मर्स और हर्डर्स थे ये खाना सप्लाई करते थे, खाना पहुंचाते थे कि इनको, क्राफ्ट्स और कारीगरों को, स्क्राइब, स्क्राइब बच्चों मैंने पहले भी बोला था आपको, जिनको जो उस समय में जिनको लिखना आता था उनको क्या बोलते थे, स्क्राइब्स को खाना पहुंचाते थे। एंड रूलर्स इन द सिटीज, और जो सिटी में हुक्मरान होते थे उनको, जो शहरों में रहते थे उनको ये खाना पहुँचाते थे। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट द हरप्पन दैट द हरप्पन्स ग्रीव वीट बार्ले पल्सिस पीज राइस सीसामी लिन सीड एंड मस्टर्ड, हमको जो हरप्पन जो वहाँ पे जो बची हुई चीज़ें थी
जो वहाँ पे प्लांट्स बचे, उनके जो थोड़े बहुत अवशेष या उनके जो थोड़े बहुत हिस्से बचे थे, उनसे हमें पता लगा था कि जो हरप्पन्स है उन्होंने वो क्या क्या वहाँ पे उगाते थे। वीट उगाते थे, बार्ले उगाते थे, पल्सेस दालें उगाते थे, पीज हो गए, मटर हो गए, राइस, चावल, सीसामी, तिल हो गया, लिनसीड एंड मस्टर्ड। अब बोलते थे, ए न्यू टूल द प्लो वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स। एक उस समय एक नया हथियार आया था, प्लो, जिसे आजकल हल बोला जाता है। उससे क्या किया जाता था, जमीन को खोदा जाता था और उसमें सीड्स लगाए जाते थे या बीज बोया जाता था। वाइल रियल प्लोज विच आर प्रोबली मेड ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव। लेकिन जो जो समय उस जमाने में जो असली के हल होते थे वो किसके बने होते थे, लकड़ी के, जो कि ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते या उनकी लाइफ ज्यादा देर तक नहीं होती थी। टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड, और जो टॉय मॉडल्स होते थे, नमूने, जो खिलौनों के नमूने होते थे, वो वहाँ पर पाए गए थे। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन मे हैव बीन यूज्ड। यहाँ पर जो ये इलाका था, यहाँ पर ज़्यादातर बारिश नहीं होती थी, इसीलिए यहाँ पर क्या करते थे, ये सिंचाई के लिए या पानी के लिए कुछ ना कुछ ये अलग से कोई तरीका इस्तेमाल करते थे। दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर एंड सप्लाई टू द फील्ड व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। इसका मतलब है कि पानी को कहीं पे इकट्ठा किया जाता था और उसको खेतों में डाला जाता था जब वहाँ पर प्लांट्स उनको लगाने होते होंगे। द हरप्पन्स रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। जो हरप्पन से उन्होंने क्या किया, जानवरों को पालना शुरू किया, शीप्स हो गए, गोट हो गए एंड बफेलो। वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। जो पानी और वहाँ पे जो पास्चर्स, जो मैदान होते थे, घास के बड़े बड़े मैदान होते थे, वो वहाँ पर उनको मिलते थे। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ्स लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वर प्रॉबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। लेकिन जैसे ही समर का, गर्मियों का महीना आ जाता था कि बहुत सारे झुंड जानवरों के झुंडों को क्या किया जाता था, ऊंचाई पे, ऊंची जगह पे लिया जाता था ताकि उनको वहाँ पर पानी और घास मिले। दे आर कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बर, कॉड फिश एंड हॉन्टेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलोप। वो वहाँ पर क्या करते थे, वहाँ पर फ्रूट्स वहाँ पर इकट्ठे करते थे या मछली पकड़ते या जंगली जानवरों का शिकार करते थे, जैसे कि एंटीलोप का। तो थैंक यू बच्चों, आज क्लास में इतना पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।